राजस्थान पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने आज टोंक का दौरा किया। इस दौरान वो कोरोना संक्रमित बमोरगेट बावड़ी इलाकों में भी गए। पुलिस एसटीएफ के जवानों से बातचीत करते हुए समस्याओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई 3 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मारपीट में घायल हुए पुलिस कर्मियों से भी उनकी कुशलक्षेम पूछी गई। महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस मौके पर यह कहा कि आपात स्थिति है, इसमें पुलिस जवानों को भी धैर्य और संयम बनाते हुए अपना कार्य करना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का जवान जब भी अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले तो पूरी तरह से सेवा का भाव मन में होना चाहिए। दिक्कत तो नहीं हो समझने, कोई व्यवस्थागत परेशानियां हो, दिक्कत हो, संसाधनों की कमी हो, उसमें मदद कर दें और सामान्य तौर पर जितनी व्यवस्थाएं एक बार देख दाख लें, समझ लें, कहीं कोई कमी रह गई हो दूर करते हैं, उसका आने का यही पर्पज है। पुलिस के जवानों पर कल हमला हुआ, किस तरह की कार्रवाई हुई है और अब किस तरह जो है आज आप संदेश देना चाहेंगे पुलिस के जवानों के नाम? जवानों के नाम संदेश यही है जैसा शुरू में मैंने कहा, बार बार मैं कहता रहता हूँ जवानों से, ये आपात स्थिति है, लंबी ड्यूटी है, ऐसे वक्त में ऐसे समय में धीरज नहीं खोना है, अपना संयम बना के रखना है। हमारा आचरण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, प्रवोक नहीं होना चाहिए। जो लोग परेशान हैं उनके लिए और परेशानियाँ पैदा ना करें। यदि कोई प्रतिरोध है, कहीं ऐसा अनपेक्षित आचरण किसी का है, कोई गलत आचरण करता है, तो उसके लिए कानून बना हुआ है। कोरोना के संक्रमण से कोरोना कर्मवीरों को बचाकर रखना प्रशासन